हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। आज मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, उसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसे हम बॉईल करने के रखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं दाल को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसके लिए मैंने दाल में 1 गिलास पानी डाला है। आधा चम्मच हल्दी, नमक मैंने दाल को भिगोते हुए भी डाला था और अब थोड़ा सा और डाल रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से देख के डालिए। पानी की क्वांटिटी घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। मैंने दाल को बॉईल करने के रख दिया है। इसमें 4 मिसल आएंगी। जब तक ये जब ये 4 मिसल आ जाएंगी, तो उसके बाद हम सांभर की दूसरी प्रोसेस जो है उसको करेंगे। सांभर बनाने के लिए जो मैंने सामान लिए हैं वो आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने छोटी घिया, जिसको मैंने बारीक बारीक पीस में कट कर लिया है, क्योंकि बड़े बड़े पीस में मुझे खाना पसंद नहीं है। गाजर, इसको भी मैंने पीसीज में कट कर लिया है। 2 ओनियन, इसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, क्योंकि ऐसा काटने से सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 4 टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इमली का पल्प, इसे मैंने गर्म पानी में 1/2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको छान कर अलग कर लिया है। 1/2 टीस्पून छोटा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चिली पाउडर, मस्टर्ड सीड, ग्रीन चिली, नमक, 2 चम्मच सांभर मसाला, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग। हींग डालने से सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप जब इसमें लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे तो ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो रेडीमेड हमारा सांभर मसाला होता है उसमें भी मिर्च और नमक ऐड होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखकर ऐड कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। इसमें मेरे 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल के डाले हैं। अब ये गर्म हो गया है, अब इसमें मस्टर्ड सीड का डालूंगी। मस्टर्ड सीड डालने के बाद हम हींग ऐड करेंगे। हींग ऐड करने के बाद इसमें जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। अब ओनियन को हमने ऐड कर दिया है। अब इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है, क्योंकि तो ज़्यादा भूनने से क्या होता है, सांभर में इसका टेस्ट कड़वा आता है। मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो हल्का सा कच्चापन इसका जितना निकलना था वो निकल गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर डालने के बाद इसमें से 1/2 छोटा चम्मच नमक का ऐड करेंगे, इससे टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। अब इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है। टमाटर हमारे गल गए, पक गए हैं। अब मैं इसमें सारी सब्जी ऐड करूँगी। सब्जियों को आप दाल के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, पर दाल में बॉईल करने से क्या होता है, जो सब्जियाँ होती हैं हमारी ज़्यादा ओवरकुक हो जाती हैं और वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक को आप अपने जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सांभर मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे हमारी सब्जियाँ गल जाए। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ 80% इसको पकाना है। इसको मैं 2-4 मिनट ढक के पकाऊंगी। सब्जियाँ हमारी 80% पक गई हैं, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें जो बॉईल करी हुई दाल है वो ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। सांभर हल्का सा पतला ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो सब्जियों में बैंगन, कद्दू भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में कोई इसे पसंद नहीं करता, इसलिए इसमें मैंने नहीं डाला।
मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से खट्टा जितना आपको चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। हमारा सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारा सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप इडली के साथ, डोसों के साथ, या बड़ों के साथ, या चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आता है। आप एक बार मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाकर देखिएगा जरूर और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसा बना आपका सांभर। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने इडली की रेसिपी भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।